तो 2015 में उनके दामाद को चुनाव हारा है, फिर इस बार 21 में हम उनसे छल से हार गए हैं। 10 महीना में अगर उसके 34 साल पर भारी न पड़ेंगे तो हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब बीते 5 बार से लगातार हारे तो क्यों जनता उनको हरा रही थी, इसका जवाब किस कौन देगा? आपका क्रेज युवाओं में काफी बढ़ चढ़ के है, आपके इंस्टाग्राम के युवा सब फॉलो किया है और आपको लेकर काफी रॉकी यादव का नारा भी लगा रहे हैं, तो रॉकी यादव क्या प्रभाव डाले हैं? तो जाति का तो हम बात पर विश्वास ही नहीं रखते, हम तो मानव जाति पर विश्वास रखते हैं कि हर मानव मेरा जात और मेरा धर्म है। बिहार में जाति की लड़ाई बहुत जबरदस्त होती है, एमओई समीकरण पर लगातार लालू प्रसाद यादव जी लड़ते आ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी एमओई समीकरण को लेकर चल रहे हैं, तो यादव बनाम यादव कैसे पार पाएंगे? ग्रामीण क्षेत्र में भी डोर टू डोर घूम रहे हैं, तो विकास को लेकर क्या क्या चीजें बाकी है? विकास के साथ लोगों के साथ छलावा हुआ है, 34 साल यही सुनने को मिला है अभरी बार। आपको मैं बता देता हूँ कि हमारी पार्टी पर हर वर्ग का हर समाज का साथ रहेगा, और तो हम लोग तो सब अपना संगठन बना के रखे हैं ना, और हम लोग इतने दिन के संगठनात्मक किसी के साथ हमने छल करने का काम नहीं किया। अगर 10 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट के पास जाइएगा तो वो कहेंगे कि हमारी जीत जबरदस्त हो रही है। बेलागंज विधानसभा में अभी पनारी पंचायत है और ये पिपरा गांव है, लगातार सभी प्रत्याशी अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, अपने बातों को रख रहे हैं, और उनके बातों में उनके वादे में कितना दम है ये तो 13 तारीख को जो मतदान होगा और 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा ये ऐलान कर देगा। सेमीफाइनल का मैच है। अभी हमारे साथ जेडीयू के प्रत्याशी मनोरमा देवी जी के बेटे रॉकी यादव है, कैसे हैं आप? पहले हम तो अच्छे हैं, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं जी। जनता का मूड कैसा है? जनता का मूड हमारे पार्टी की तरफ है, हमारे पार्टी पर पूरा विश्वास है, इस बार हम लोग की अच्छी जीत होगी। 34 साल से लगातार सुरेंद्र यादव जी राज करते आए हैं इस क्षेत्र में, उनका विकास उनका दबदबा कैसे पार पाएंगे आप? 1000% पार पाएंगे। हम लोग तो लड़ाई उनसे 95 और 2000 से लड़ रहा है। 2000 में मेरे पिताजी जिला परिषद अध्यक्ष भी उनके खिलाफ बने, मेरी माताजी 2003 में निर्दलीय MLC भी उनके खिलाफ बनी, 2005 में हमारे विधानसभा में मेरे पिताजी का भी चुनाव लड़े, बहुत कसमकस में निर्दलीय चुनाव, मतलब लगभग कुछ ही मतों से हारे थे। तो 2015 में उनके दामाद को चुनाव हारा है, फिर इस बार 21 में हम उनसे छल से हार गए हैं। तो लगातार हमारा लड़ाई तो बहुत पुराना है। जनता का क्या क्या मांगे है जो पूरी नहीं कर पाए हो, और आप ग्रामीण क्षेत्र में भी डोर टू डोर घूम रहे हैं, तो विकास को लेकर क्या क्या चीजें बाकी है? विकास के साथ लोगों के साथ छलावा हुआ है, 34 साल यही सुनने को मिला है अभरी बार अभरी कर देंगे, मतलब अभी में इसको अभरी बार कहते हैं, और ऐसे हिंदी में अगर कहिए तो बस एक बार मौका दे दीजिए कर देते हैं, तो एक बार करते हर बार लोगों का कान पक चुका है। इसमें बिहार में जाति की लड़ाई बहुत जबरदस्त होती है, एमओई समीकरण पर लगातार लालू प्रसाद यादव जी लड़ते आ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी एमओई समीकरण को लेकर चल रहे हैं, तो यादव बनाम यादव कैसे पार पाएंगे? यादव वोट को कैसे अपने कन्वर्ट करेंगे? जैसे वो यादव है वैसे हम लोग हैं, और हमको तो जाति का तो हम बात पर विश्वास ही नहीं रखते, हम तो मानव जाति पर विश्वास रखते हैं कि हर मानव मेरा जात और मेरा धर्म है। आपको मैं बता देता हूँ कि हमारी पार्टी पर हर वर्ग का हर समाज का साथ रहेगा, और ये वोट आपको 23 के काउंटिंग के दिन पता लगेगा। अभी हम अपने मुंह से कुछ बोलेंगे तो अपना मुंह से अपना बढ़ाई क्या किया जाए। क्षेत्र में हम लोग ही भ्रमण कर रहे हैं। आपका क्रेज युवाओं में काफी बढ़ चढ़ के है, आपके इंस्टाग्राम के युवा सब फॉलो किया है और आपको लेकर काफी रॉकी यादव का नारा भी लगा रहे हैं, तो रॉकी यादव क्या प्रभाव डाले हैं? हम अपने सब अपने लोगों के बीच में शुरुआत से बचपन से सब अपने साथ, जिसके साथ पढ़े हैं बैठे हैं, जो हमको जो हमारे पिताजी के साथ रहे उनके बच्चे सब, अब तो दूसरा पीढ़ी अब हम लोग राजनीति का चालू है, तो हम लोग तो सब अपना संगठन बना के रखे हैं ना, और हम लोग इतने दिन के संगठनात्मक किसी के साथ हमने छल करने का काम नहीं किया, अगर किसी का भला नहीं किए तो बुराई भी नहीं किए। तेजस्वी यादव जी घूम रहे कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ कर देंगे, अब वो तो अपनी पार्टी का गीत कौन नहीं गाएगा, अपनी पार्टी का जीत अभी कोई, अभी चुनाव में अगर 10 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट के पास जाइएगा तो वो कहेंगे कि हमारी जीत जबरदस्त हो रही है, तो ये तो रिजल्ट बताएगा ना। सवाल पूछने पे वो कह रहे हैं कि अगर जनता अगर हमसे नाराज रहती तो सुरेंद्र यादव को फिर सांसद क्यों बनाती, जनता अगर नाराज रहती तो संसद क्यों बनाती, उनका कहना है। अब बीते 5 बार से लगातार हारे तो क्यों जनता उनको हरा रही थी, इसका जवाब किस कौन देगा? इस बार जीता दी है, इस बार दया के रूप में जीता दी, 5 बार आदमी आ रहा था जा रहा था, लोग दया कर दिया,
और वो भी छल के साथ हुआ, हमारे हमारे पार्टी का वोट का बिखराव हुआ, कुछ लोग बिचौलिए के रूप में हमारा पार्टी को जो मतलब होता है हमारे थोड़ा सा हमारा जो पॉलिसी था वो पूरा धरातल पर नहीं आ पाया। आपके पार्टी के जो मुखिया है उन्हीं को लोग बोल रहा है कि वो तो अस्वस्थ हो गए हैं, पूरी तरह से बीमार हैं, तो वो क्या आप लड़ाई लड़ेंगे? ऐसी कोई बात नहीं, अस्वस्थ का तो हमको कोई दूर से, हम तो अच्छा से उनको हर जगह देख रहे हैं, मानसिक रूप से बीमार है नहीं, एकदम ये सब बिल्कुल खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता तो सब आपको मालूम रहता, वो पूरी मजबूती से हमारे पार्टी को एकत्रित करके और पार्टी चला रहे हैं। आखिरी सवाल, जीतने के बाद रुकी यादव क्षेत्र में क्या करेंगे, जनता के लिए क्या करेंगे? न्याय के साथ विकास होगा, भरोसा जनता को दिलाएंगे आप? तो भाई इसीलिए तो 10 महीने का शॉर्ट रिजल्ट मांग रहे हैं, देख लीजिए 10 महीना में, अगर 10 महीना में अगर उसके 34 साल पर भारी न पड़ेंगे तो हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए, तो सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल फाइनल का रिजल्ट तय करेगी। रोकी यादव का कहना है कि अगर हम जीतते हैं तो ये 10 महीना में तय कर देंगे और 10 महीने में जनता मुझे देख लेगी, समझ लेगी कि मैंने कितना विकास किया है और कितना नहीं। अगर मैं विकास करूंगा तो अगले साल के लिए जो तैयारी है 25 वाली, जो पूरे बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें जनता से वोट मांगने जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने देते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।